चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से है, जहां आधी आबादी पर बीजेपी एक बार फिर फोकस कर रही है। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रोग्राम तय हैं। अगस्त में राष्ट्रीय पदाधिकारियों का दौरा रहेगा। पदाधिकारी एमपी के जिलों का दौरा करेंगी। पदाधिकारी महिला अधिकारियों से संपर्क करेंगे। 57 संगठनात्मक जिलों में दौरा किया जाएगा। चलिए एक बार फिर रुख करते हैं विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता की ओर। वैभव, पहले ही आधी आबादी को सीएम शिवराज सिंह चौहान साध चुके हैं लाडली बहना योजना के तहत, और अब एक बार फिर इसी पर फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल, आधी आबादी को साधने के लिए लाडली बहना योजना शिवराज सरकार लेकर आई है, लेकिन इसके अलावा और भी योजनाएं हैं जो कि केंद्र सरकार की हैं, राज्य सरकार की हैं, जो कि महिलाओं के हित को लेकर कह सकते हैं कि महिलाओं को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बनाई गई हैं। तो इन योजनाओं का लाभ जिन महिलाओं को मिला है, ऐसे हितग्राहियों तक पहुंचने की कोशिश बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा की जाएगी। बीजेपी राष्ट्रीय जो मोर्चा है, उसकी जो पदाधिकारी हैं, वो मध्य प्रदेश के साथ ही अन्य स्थानों पर भी पहुंचेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में खासतौर पर उनका फोकस है कि चुनावी साल है, तो यहाँ वो पहुंचेंगी, सभी जिलों में पहुंचेंगी। सबसे पहले तो हितग्राहियों के साथ संवाद करेंगी, जो अगस्त का, पहली अगस्त को, क्योंकि दो दिन का एक कार्यक्रम है, 1 अगस्त और 2 अगस्त। तो 1 अगस्त को संवाद किया जाएगा हितग्राहियों के साथ, और 2 तारीख को एक जन संवाद के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां उन्हें बताया जाएगा किस तरीके से बीजेपी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं ला रही है, तो किस तरह से उनका फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी लगातार महिलाओं को साधने का प्रयास कर रही है, और इसी के तहत विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी आधी आबादी यानी कि महिलाओं को साथी पर जो बीजेपी का खासा फोकस नजर आ रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा ने अगले 3 महीने तक के प्रोग्रामों का कैलेंडर बनाकर सभी कार्यक्रमों के प्रभारियों की नियुक्ति करती है, और अगले महीने में 1 और 2 अगस्त को बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रदेश के सभी जिलों में जाकर मोदी और शिवराज सरकार की योजनाओं को लेकर महिलाओं से चर्चा करेगी। बीजेपी के 57 संगठनात्मक जिलों में मोर्चा की राष्ट्रीय पदाधिकारी दौरा भी करेंगे।